भाई सर राहुल गुनाउत, और आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। इनग्वेनल हर्निया के बारे में बात की जाएगी। अगर इनग्वेनल हर्निया की बात की जाएगी तो कोई भी किसी भी तरह के, इससे पहले एक वीडियो पढ़ा था, बने एक वीडियो देखा था, एक इनग्वेनल कैनाल्स के बारे में बात की थी। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इनग्वेनल कैनाल का, तो वहां से आप देख सकते हो। तो इनग्वेनल हर्निया पढ़ने से पहले अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है एच बेल ट्राइंगल्स। अब इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो इस ट्रायंगल के अंदर एक यहाँ पे ये वाली जो आर्टरी होती है इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और एक होती है मीडियल अम्बेलिकल आर्टरी, जो बर्थ के बाद में जो मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट्स का फॉर्मेशन कर देती है। और फिर ये हमारी जो मसल्स होती है, ये होती है रेक्टर एब्डोमिनस मसल्स, जब अपन इनग्वेनल कैनाल्स के बारे में स्टडी करते हैं वहाँ पे देखी जाती है। अगर इस पोर्शन की अगर बात की जाए सर्कल की, तो ये एक डीप इनग्वेनल रिंग है जो यहाँ से एक्सटेंड करता है। जनरली अपन ने जब पढ़ा था इनग्वेनल लिगामेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे देखा था कि एंट्रियर सुपीरियर इलिक लाइन से एक प्यूबिस ट्यूबरकल्स के बीच में एक लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है। उस लिगामेंट्स को बोला जाता है वो जो लिगामेंट्स होता है वो इनग्वेनल लिगामेंट्स होता है। अब यहाँ पे इससे एक ये जो आर्टरी जा रही है यहाँ से, जो हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के अंदर ये इन्फेरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है जो मैंने रेड कलर से शो कर रखी है, और ये वाला जो पहले जो आर्टरी थी ये मीडियल अम्बेलिकल आर्टरी है जो बर्थ के बाद में मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक तरह का ट्राइंगल शेप का एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल को ही अपन एक हेसनबेच ट्राइंगल्स बोला जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इस ट्राइंगल की बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। तो तीन तरह की इसकी लेटरल बाउंड्री, इसकी मीडियल और इसकी जो एक बेस है वो कौन कौन बनाता है। अगर ये हमारी लेटरल साइड हो गई, ये हमारी मीडियल साइड हो गई, अगर एनाटोमिकल पोजीशन देखी जाए तो ये जो लेटरल साइड अगर बात की जाए तो इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल की जो लेटरल बाउंड्री है वो कौन बनाता है, इन्फेरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी बनाती है। और जो मिडल जो इस ट्राइंगल की जो मिडल जो बाउंड्री है वो बनाता है ये जो रेक्टस एब्डोमिनस है, इसकी जो लेटरल बॉर्डर है वो लेटरल बॉर्डर बनाता है। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो ये वाली साइड लेटरल साइड हुई, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली साइड मिडल साइड हुई। तो ये इसकी लेटरल साइड है रेक्टस एब्डोमिनस की, ये इसकी मिडल साइड है। तो लेटरल जो बॉर्डर है इसका, ये लेटरल बॉर्डर, ये मिडल बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर क्या बनाता है, इसकी मिडल बाउंड्री बनाता है। बेस की अगर बात की जाए, ये वाला जो बेस है ये बेस बनाता है हमारा इनग्वेनल लिगामेंट्स, जो अपन ने देखा कि एंटर सुपीरियर इलिक लाइन से जो प्यूबिस ट्यूबरकल्स के बीच में एक लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एंटर सुपीरियर, उसको बोला जाता है इनग्वेनल लिगामेंट्स। तो ये जो सारी चीजें अपन ने बात की, ये एक हेसलबेच ट्राइंगल्स के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं हर्निया के बारे में। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि हर्निया की अगर बात की जाए तो दो तरह से हर्निया होता है, एक एक्सटर्नल हर्निया और एक इंटरनल हर्निया। फर्क इतना सा है कि जो दोनों ही के अंदर यहां पे भी एब्डोमिनल का कंटेंट प्रोट्रेशन होता है, प्रोट्रेशन का मतलब होता है बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे भी जो उसकी जो वाल होती है, एब्डोमिनल का जो कंटेंट होता है, उसकी जो वाल के द्वारा अगर उसका जो कंटेंट है एब्डोमिनल का, अगर वो बाहर निकल जाता है, प्रोट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण जो हर्निया होता है उसको एक्सटर्नल हर्निया बोला जाता है। अब ये जो सेकेंड हर्निया है इंटरनल हर्निया, इस इंटरनल हर्निया के अंदर भी एब्डोमिनल का कंटेंट ही प्रोट्रेशन होगा, बस फर्क इतना सा है कि इसके अंदर जो नो एंट्री जोन है, उसके जो एब्डोमिनल कैविटी का जो नो एंट्री जोन है उसके अंदर जो एक एब्डोमिनल का कंटेंट है वो प्रोट्रेशन होता है, जबकि यहां उसकी वाल के थ्रू हो रहा था। तो अगर इसको बोला जाता है इंटरनल हर्निया। अब जो नो एंट्री जोन है ये कौन है, जैसे एपिप्लॉइड फोरामेन से ये एक नो एंट्री जोन है, इसके द्वारा जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एब्डोमिनल का जो कंटेंट है अगर वो प्रोट्रेशन हो जाए, अगर वो बाहर निकल जाए, जिसके कारण जो हर्निया हो जाता है उसको बोला जाता है इंटरनल हर्निया। उसके बाद में अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हर्निया के बारे में बात की जाए तो तीन तरह के पार्ट्स होते हैं हमारे हर्निया के, तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेक, एक उसका कंटेंट और एक उसकी कवरिंग। अगर ये वाले जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए, अंदर की तरफ जो लाइन लाइन से सोकर रखा है, इस ये है हमारा कंटेंट, और कंटेंट क्या है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन का, करेक्ट, जो बनाता है लूप ऑफ इंटेस्टाइन बनाता है इसका कंटेंट। जो इसके बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर वाला, जो ये ब्लू कलर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हर्निया का सेक, और जो हर्निया का सेक है ये एक पेरिटोनियम का जब प्रोट्रेशन हो जाता है, जब बाहर निकल जाता है उसके कारण जो हो जाता है उसको बोला जाता है सेक ऑफ हर्निया। और उसके बाहर की तरफ जो पिंक कलर से स्ट्रक्चर से जो शोकर रखा है ये है हर्निया की कवरी।
और जो हर्निया की जो कवरिंग है, ये कोई भी किसी भी तरह की जो एब्डोमिनल वाल है वो हर्नियल सेक के बाहर की तरफ जो कवरिंग करता है उसको बोला, वो होती है कवरिंग। दो तरह के जो हमने ये जो सेक ऑफ हर्निया की बात की, तो जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखा है, जो जिसके अंदर जो पेरिटोनियम है उसका जो प्रोट्रेशन हो जाता है, तो इसके अंदर इसके दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक जो ये स्मॉल जो ये जो राउंड वाइंड अप कर रहा है ये एक नेक है, और जो लार्ज पोर्शन होता है इसका यहाँ पे ये है किसकी बॉडी। तो ये अपन ने देखे कि जो हर्निया के जो पार्ट्स सेक कंटेन और कवरिंग। अब अपन बात करते हैं जो मेन जो टॉपिक है हमारा इंग्वेनल हर्निया, उसके बारे में बात करते हैं। अगर इंग्वेनल हर्निया की अगर बात की जाए तो इंग्वेनल हर्निया के अंदर क्या है कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो इंटेस्टाइन का जो लूप है वो उसका प्रोट्रेशन हो जाता है, और प्रोट्रेशन दो तरह से हो जाता है, या तो इंग्वेनल कैनाल्स के द्वारा या इंग्वेनल वाल के अंदर। और इंग्वेनल वाल के अंदर भी मेनली जो पोस्टीरियर वाल है वहां से उसका जो प्रोट्रेशन हो जाता है इंटेस्टाइन का लूप का। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर इस इंग्वेनल कैनाल्स की अगर बात की जाए, इंग्वेनल कैनाल्स के द्वारा जो प्रोट्रेशन हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या है कि जो डीप रिंग होगी, डीप रिंग से वो कैनाल डीप कैनाल के अंदर जाएगा, डीप कैनाल से सुपरफिशियल रिंग के अंदर जाएगा, और सुपरफिशियल रिंग से वो स्क्रोटम के अंदर जाएगा। तो अगर ये जो प्रोसेस होता है डीप से सुपरफिशियल के अंदर गया केनाल के द्वारा और फिर सुपरफिशियल से स्क्रोटम के अंदर जाता है, अगर ये पाथवे फॉलो करता है तो वो एक इंटरनल और ऑब्लिग्यू एक इंग्वेनल हर्निया होगा। ऑब्लिग्यू तो होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपन बात करते हैं इंग्वेनल केनाल की, तो इंग्वेनल केनाल क्या था, एक इंटर ऑब्लिग्यू मस्कुलर पासेज था, मतलब मसल्स के बीच में से जो रास्ता गया था उसको अपन ने बोला था कि एक इंटर जो इंग्वेनल केनाल था। अब जो इंग्वेनल वाल की अगर बात की जाए तो ये इंग्वेनल वाल डायरेक्ट क्या है कि ये एक इंग्वेनल हर्निया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो वीक जो हमारी पोस्टियर वाल है वो वीक हो जाती है, और जब पोस्टियर वाल वीक हो जाती है जिसके द्वारा प्रोट्रेशन होगा, और जब प्रोट्रेशन होगा वो बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि वो वाल है वो पोस्टियर इंग्वेनल कैनाल की जो पोस्टियर वाल है वो वीक हो गई, कमजोर पड़ गई। अगर वो वाल कमजोर पड़ गई जिसके द्वारा जो ये प्रोट्रेशन होगा बाहर की तरफ जाएगा, और यही अपन ने देखा था एक हेसलबैक ट्राइंगल के अंदर। और हेसलबैक ट्राइंगल के अंदर भी यही था कि अगर पोस्टियर वाल उसकी अगर वीक पड़ जाती है, मतलब ये हुआ कि एक हेसलबैक ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। और उसके अंदर दो तरह की वाल थी, दिखा देता हूं आपको, एक तो थी मीडियल और एक होती लेटरल। ध्यान से इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो लेटरल है और ये एक मिडल है, तो यही दिखाना चाह। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इंग्वेनल कैनाल्स का, वो ये है कि जो इंग्वेनल हर्निया का जो इंग्वेनल कैनाल्स के द्वारा होता है, तो ये जो इंग्वेनल कैनाल्स के द्वारा जो इंग्वेनल हर्निया होता है ये एक मेल इन्फेक्ट के अंदर और चिल्ड्रन बच्चों के अंदर होता है जनरली, जबकि इंग्वेनल कैनाल्स के इंग्वेनल वाल के द्वारा जो इंग्वेनल हर्निया होता है वो एक और बूढ़े आदमियों के अंदर ज्यादा होता है, ओल्डर पीपल्स के अंदर ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो पोस्टीरियर वाल है वो वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण हो जाता है। उसके बाद में जो इंग्वेनल कैनाल्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो नेक होती है वो नेरो होती है, और इसके अंदर जो नेक है वो वाइंडर होती है, बड़ी होती है। जब नेक अगर नेरो होगी जिसके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन की अगर चांस की बात की जाए तो वो बहुत कॉमन चांस हो जाएगा, बट इसके अंदर नेक बहुत चौड़ी है, वाइंडर है, तो उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बहुत कम है, क्योंकि छोटी है तो ज्यादा चांस है, बड़ी है तो चांस नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि इंग्वेनल कैनाल्स और जो इंग्वेनल हर्निया के बारे में बात की थी, और एक हेसलबैक ट्राइंगल्स के बारे में बात की थी। एक वीडियो और बनाएंगे अपन, एक जो इंग्वेनल हर्निया है इसके बाहर की तरफ जो कवरिंग की अगर बात की जाए ना, तो वो कवरिंग भी अपन देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और जो इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।